हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है झारखंड हम बारात निकलने वाले हैं, जो कि आज हम जितेंद्र भाई का बारात जाने वाले हैं। और ये आपका 29 मई का जो है ये बारात हमने निकाला था। वीडियो आपको लेट मिल रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है एडिट करना, प्लस उसको अपलोड करना और सारा चीज़, बहुत सारे काम होते हैं, प्लस डीजे बुकिंग भी हैंडल करना, तो वो सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए जो है वीडियो आपको लेट में मिल रहा है। और यह है जितेंद्र भाई का गांव, जो कि है ये नगरा में। और आप जानते होंगे, अगर लोकल के होंगे तो नगरा में आपको पता होगा। और वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं, गढ़वा से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास आगे, जो कि पांडू नाम से कोई गांव है, वहीं पर हम जाने वाले हैं बारात। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहेगा लास्ट तक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, साउंड चेक भी आपको सुनने को मिल जाएगा। फिलहाल गाइस ब्लॉग में बने रहेगा लास्ट तक, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए। जो कि और इधर हमारे गांव का आईपीएल चल रहा है, देख सकते हैं गाइस। वहाँ देखिए गाइस, गांव में थोड़ा आईपीएल चालू हो चुका है। ब्राजील ब्राजील साहब, ये मेरा भाई है और चचा लगते हैं हमारे, जिसको प्रेम के साथ लोया भी बोलते हैं। मैं अपना थोबड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा, ये हूँ मैं, इधर कलुआ चचा। ओके गाइस, तो अभी के लिए बस इतना ही, हम लोग जा रहे हैं। दादा का दिखा देना। दादा हमारे जा रहे हैं साइकिल से, जिसे हमारे दादा ने अभी बाइक को गिरा दिए हैं। और अभी प्रीतम जाएगा पानी भरने, वहाँ पे पानी भरने जाएगा। और अभी हमारे दादा फिलहाल चढ़ा लिए हैं 2-3 पाव, इसलिए थोड़ा सा हैंग में हो चुके हैं। आई मेरे को क्या बोलता है फलानवा बोलते हैं, अभी गुस्सा के साथ हैं, गुस्सा के साथ में अभी बाइक को इतना स्पीड दौड़ाएंगे ना कि उनका ही करेजा जाने। तो गाइस अभी हम मार्केट में पहुंच चुके हैं, वहां देखिए वो का मन मानुस हिट रहा है, सजेंटा कंपनी का बनमानुस है, बनमानुस उसको बोलते हैं। देखिए, और आप लोग को जूम करा के दिखा सकता हूँ, ये देखिए मार्केट लगा है, ये सजेंटा कंपनी के बनमानुस घूम रहा है। और इधर मार्केट है गाइस, गाइस बोलते हैं आज गाइस, मुर्गा बुझा रहा है। इधर मुर्गा कटिंग, और इधर मार्केट में खचाखच भीड़। रुकिए, मैं आप जीवित मछली मृत्य मछली जाइए गाइस, वीडियो चुप हो गया, जल्दी बैठ नहीं तो छोड़ दो। तो अभी हम लोग लकड़ी डिपो के पास पहुंचने वाले हैं, लकड़ी डिपो चोरपा हरी।
की बीज बिक्री के लोगों देखो तब ना पता चल रहा है भरमाल के पास पहुंचने वाले यहाँ से कुछ राइट साइड जाना है। यहाँ से हमें गढ़वा का रास्ता मिलता है, देख सकते हैं गाइस। और ये हमारा बलरामपुर जाने वाला रोड अंबिकापुर रास्ता, इधर से गढ़वा, रामानुजगंज, पटना, जितना भी अटना पटना, देवरा, ढोड़ी, चटना, औरंगाबाद, भोजपुर, नागपुरीपुर, लोग रामानुजगंज में एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। इधर हम लोग पहाड़ी मंदिर बोलते हैं। यहाँ से अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ा डीजल वीजल डीजी पे भरवाएंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे। तो एंट्री पॉइंट जो यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं पहाड़ में, पेट्रोल भरवाना गाइस। वहाँ देखे गाइस घर है, वहाँ देख सकते हैं आप। और इधर पेट्रोल हमारा भराएगा, अभी भी भर भर लेंगे थोड़ा, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम आ रहे हैं गाइस पानी भर के, हम लोग पानी भर के आ रहे हैं गाइस। हमारे प्रीतम भैया हमारे ड्राइवर चचा। तो गाइस अभी हम लोग पानी भरने जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर आप। तो पानी भर के आपसे हम बात करते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। इधर हमारा जो पानी भरने का साधन नल वगैरह अभी बना दे। तो गाइस अभी अपूर पानी पी रहा है, देख सकते हैं साला बहुत प्यासा हुआ है। देखिए ये थोड़ा पानी पी रहा है गाइस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पानी पी के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, ठंडा पानी है गाइस, देख सकते हैं आप। मैं पी लिया हूँ गाइस। तो गाइस इधर हमारा पिकअप कुछ इस तरह से, और हमारे चचा जी अभी स्पीकर निकाल रहे हैं ऊपर माहौल लेने के लिए, देख सकते हैं आप। ये मेरा छोटा डीजे मिनी सेटअप। अरे स्पीकर गाइस, बाबू ऊपर पकड़ो इसको। कुछ इस प्रकार से हमारा सेटअप आप देख सकते हैं गाइस। फिल पंप में हैं हम लोग। तो गाइस इधर मैं और इधर हमारा बसंती और इधर हमारा सजंती। तो गाइस अभी हम दिस इज इंट्रोड्यूसिंग माय साउंड सिस्टम, और अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड। तो गाइस पेट्रोल अरे डीजल भरा चुका है हमारे डीजी में, अब हम लोग निकल रहे हैं गढ़वा के लिए। और हमारा डीजे को यहाँ है, गाना बजा प्रताप। अभी हमारा गाना प्ले होने वाला है, और ये देखिए काफी बेहतर आवाज के साथ। मौसम के साथ गाइस ले उठो कोई सेम ले तो कार है। देखिए गाइस नीचे ऐसा
उत्तराखंड झारखंड बॉर्डर में आ चुके हैं। इधर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहाँ भी बैठ के जाए। झारखंड में आप तो जानते ही हैं, कहीं भी बैठ के जा सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग कुछ काम से रुके हैं। फाइनली हम बारात के घर में पहुंच चुके हैं। देखिए अभी सोने का तैयारी हो रहा है, उधर खाने पीने का व्यवस्था, उधर जयमाला का व्यवस्था। और टाइम अभी 1:10 लेट है और काफ़ी मज़ा नहीं आया। तो गाइज वीडियो में बने रहिए, सुबह तक दिखाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम घर की ओर निकल चुके हैं और देख सकते हैं रास्ता भी कितना खतरनाक टाइप से है, और एक गियर में गाड़ी हमारा चल रहा है। और अभी अभी समय 4 बजने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक रास्ता, देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा तार है, एकदम गर्म लगा से यार। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी हम गली में हैं, गली में निकलने सटे सटे हो जाना है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गढ़वा मेन सिटी, और अभी गढ़वा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और ये देख सकते हो अभी सुबह हो चुके हैं, और इधर दोनों जने सो रहे हैं, छोटे प्रीतम और ऊपर हैं उन लोग, सब कोई सो रहे हैं। साइड हमें जाना है जो कि आपने ब्लॉग में देखा होगा, एक आध दो ब्लॉग में, कि गढ़वा रोड में हम लोग इधर से जाते हैं। तो ये आ चुका है रामानुजगंज रोड, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रामानुजगंज रोड हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, फिलहाल घर। सो दोस्तों गढ़वा रोड में, मतलब रामानुजगंज रोड में आगे शायद एक्सीडेंट हो गया है लगता है। जाम लग गया है थोड़ा, देखते हैं कितना टाइम लगता है जाम खुलने में। एक कार वाला बोल रहा था कि आगे, मतलब दो लोग
दो लोग का मृत्यु हो गया है, मतलब मर गए हैं ऐसा करके। तो भाई जाते हैं और देखते हैं, गाड़ी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। देख सकते हो कितना जाम हो गया था, ट्रैफिक जाम हो गया था। बहुत ही खतरनाक जाम लग गया था शायद, देख सकते हैं कितना खतरनाक जाम लग गया था। इधर राइट साइड लंबा जाम लग गया था, पता नहीं क्या हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं अब सीधा रामानुजगंज। सो फाइनली गाइस, हम लोग रामानुजगंज पहुंच चुके हैं, मतलब रामानुजगंज पहुंचने वाले हैं। अभी झारखंड बॉर्डर पार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में एंटर कर रहे हैं। और यह है रामानुजगंज का पुलिया, बड़ा सा पुल ब्रिज। और पानी देख सकते हैं पूरा सूखा हो गया है, पूरा सूखा है। और यहाँ पर है नाका, मतलब बैरियर। और ये हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुके हैं। अभी सीधा चले, मतलब सीधा नहीं, इधर से हम लोग घुस जाएंगे, सिटी से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे। ये सीधा इधर रास्ता है, सीधा भी जा सकते हैं। और अभी भी 6 बज रहा है, 6:15। और ये वाला है बाईपास रोड, और ये सीधा मेन रोड, और ये है बस स्टैंड रोड, बस क्या बोलते हैं, रामानुजगंज बस स्टैंड रोड। आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर, तो ये है बस स्टैंड रामानुजगंज का, और ये है रामानुजगंज का सिटी। तो अभी सुबह सुबह है तो अभी पूरा खाली रहता है, इस वजह से हम लोग इधर से शॉर्ट जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं घर, आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, और गाड़ी को अंदर लगा दिया है घर के अंदर, जो कि ये अभी धूप काफ़ी ज़्यादा रहता है इसलिए बाहर खड़ा नहीं करते हैं, अंदर घुसा देते हैं गाड़ी को। और रास्ता थोड़ा सा इधर ख़राब है, मतलब अभी काम चालू करेंगे बाद में। और यहाँ से पिकअप जो है अंदर हमने डाल दिया है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बताइएगा बॉक्स में, और प्लस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो है घुसाते वक्त थोड़ा सा सट गया था, तो लोहा थोड़ा बेंड हो गया है, और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये हमने गाड़ी को अंदर खड़ा कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।